नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विन वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर निकाल रहे हैं मुआवजा। फर्जी कागजात लगाकर मौज गोहरा तहसील मेहगांव गोपालपुर दोचरा पहुंच मार्ग में भूमि का फर्जी मुआवजा लिया गया है, जिसकी जाँच की जाकर कार्रवाई की मांग प्रार्थी शिव कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी विक्रम सिंह का पूरा तहसील मेहगांव जिला भिंड ने की है। आरोपी मुन्नालाल पुत्र भीकम सिंह की रोड पर भूमि नहीं है, फर्जी नंबर 988 फर्जी दस्तावेज लगाकर मुआवजा 1,05,000 निकल गए हैं। एसडीएम मेहगांव द्वारा सन 1999 में निकाले थे, जबकि इसकी रोड पर जमीन नहीं है, फर्जी गलत मुआवजा लिया गया है, इसकी जांच की जावे, दोषी मुन्नालाल के खिलाफ कार्रवाई की जावे, जिनको मुआवजा नहीं मिला है उनको मुआवजा दिलवाया जाए। भिंड जिला संवाददाता दिलीप सिंह सेंगर की रिपोर्ट। पंचायत का सबसे बड़ा एक मामला है फर्जीवाड़े का, जो जमीन का एक रोड में जो उनका खेत आया नहीं है, लेकिन इन्होंने मुआवजा ले निकाल लिया है। लेकिन शुभ नाम क्या है सर आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी बताएं, ये क्या पूरा प्रकरण है इसका? प्रकरण जी है, जिन लोगों ने के खेत आए उन्हें तो मुआवजा नहीं मिला, और जिन लोगों ने के खेत नाते ही मुआवजा ले चुके। किन्होंने लिया है? मुन्ना लाल बघेल। उनका खेत कहाँ पर है? खेत मैंने को रोड से साइड से है जी। अच्छा, रोड से कितना किलो कितनी दूरी पे? मतलब पास में ही लगा, मतलब रोड में नहीं, रोड में नहीं आता, तो उन्होंने मुआवजा निकाल लिया है। निकाल लिया 1,05,000 आज तो 25 साल पहले। 25 साल पहले? हाँ। तो 25 साल से पहले अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं होगी? इंक्वायरी हमें जब पता लगा तब बाकी इंक्वायरी करवाई, जब रोड को जब हमने जो सर्चिंग करी बाकी नेट पे डालेंगे तो नेट पे सबके नाम आ रहे, अपने को नाम ही ना आ रहा। अब क्या चाहते हैं? अब हम जी चाहते हैं जो अपने पे कार्रवाई करी है और रिकवरी करी है, जो सही बात है तो आप रिकवरी करिए, और जिनको मिलाना है उन्हें दो जाए। उनके खेत का लोकेशन दिखाएंगे उंगलियां करके, कौन सा ये लोकेशन है इनको? ये खेत आ रहा है मुन्ना लाल के, और कोई आप जांच कर ले, और जांच करे के बाद तब मतलब वो करे। 988 नंबर हुए को बाद से फर्जी मतलब बाघ मामला निकाल रहा। 988 नंबर रोड से क्रॉस नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे फर्जीवाड़ा करके उन्होंने मुआवजा निकाल लिया गया है। 988 नंबर को मैंने फर्जी मामला निकाल ला हुआ, और फिर वो जांच कर लिया ऑनलाइन, अब तो रोड पूरी बताई देते कौन को मामला है। आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया? हमने सेकंड बार दे चुके, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। भाई किन किन को दिया? हमने कलेक्टर साहब को दाओ, एसडीएम साहब को दाओ, तो जो गोर जी मतलब आरआई जी जो आ गए अमान सर्किल वाले, वो अपने जाँच धरे बैठे आरआई अमान सर्किल, वो जाँच ही करवे ना आए। क्या उन्होंने जाँच नहीं दिया? जांच अभी तक नहीं आई, हमने बोली आप जाओ घटना स्थल पे जांच करो, अभी तक। आपने तहसीलदार कलेक्टर साहब को अवगत कराया? हाँ कराओ। क्या उन्होंने एसडीएम कराओ महंगाओ और बिने कराओ? क्या अनुशासन दिया उन्होंने? अब बिने कही दिया हमें जांच कराएंगे, जांच कराए एसडीएम साहब ने आदेश कर दो तुरंत। तो जांच के लिए कोई निर्धारित समय किया होगा? बिने नहीं कोई समय भेज करे, हम देख लेंगे अभी, तो आरआई साहब तो कोई बात ही ना करे यार। हमारे सर्किल वाले जो आ रहा है, यानी इसमें सभी वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत है इसका? हाँ मतलब वो सुनी ना रहे, जबकि जो हमने की जांच को आएगा जो जांच करो अपन पहला बोलो। हाँ।